लेकर आप 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 लोगों 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 के के लिए एक तो ने ने देख लिया होगा लेकिन अभी मेरे दोस्त क्योंकि अंदर भाई टॉप हिडन फीचर्स देखे हैं बट एक जो सबसे बड़ा हिडन फीचर है वो आप लोगों को नहीं पता जो कि रिकॉल वाला होने वाला है भाई आप लोगों को एक नहीं थ्री पॉइंट जीरो दो रिकॉल्स देखने को मिलेंगे तो कैसे दो रिकॉल देखने को मिलेंगे चलो मैं आपको समझा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हमारे पास जो है ना तीन इवेंट आए हैं इस बार मतलब भाई एक यसनाया के अंदर है एक हमारे पास जो है ना प्रिजन के अंदर है और एक जॉर्ज पुल के अंदर है कहीं पे भी आपने उतरना है उतर सकते हो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना रिकॉल कार्ड मिल जाएगा बट भाई यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे मैं इवेंट के अंदर नहीं उतरा और मुझे रिकॉल कार्ड मिला है अभी मैं करूंगा ये कि मैं खुद को जो है ना ग्रेनेड से मार दूंगा क्योंकि भाई मैं इवेंट के बाहर उतरा हूँ इवेंट आप लोग चेक कर सकते हो इवेंट जो है ना इवेंट के बॉर्डर जो है ना उसके मैं बाहर हूं और मुझे फिर भी रिकॉल कार्ड मिला है तो मैंने अभी चेक करना यह है कि भाई ये जो रिकॉल कार्ड मुझे, मुझे मिला है ये सच में वर्क भी करता है कि नहीं तो यहाँ पे भाई मुझे ग्रेनेड मिल गया यहाँ से मैंने जो है ना खुद को मार दिया है और आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो टाइमर आ गया इट्स मीन के भाई मेरा जो रिकॉल कार्ड था वो सच में वर्क कर रहा है अभी दूसरी बार भाई मैं प्रिजन के अंदर उतरा और भाई यहां पे जो है ना मैंने दोबारा से खुद को किल किया यहां भाई आप लोग चेक कर सकते हो यहां पे जो है ना ग्रेनेड मैंने लिया है और यहां पे मैंने दोबारा से खुद को किल कर लिया है और ये किल इसलिए किया क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि भाई ये जो है ना वर्क करता है ये रिस्पॉन्ड कार्ड के नहीं और यहाँ पे भाई आप लोग चेक ही कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर सब कुछ यहां पे मुझे सेकंड रिकॉल भी मिल चुका है और यहां से भाई मैं सीधे उतरा हूं शेडो बैटल के अंदर या बैटल ग्राउंड के अंदर शेडो बैटल ग्राउंड के अंदर कुछ भी आप लोग कह सकते हो ये भी एक प्रिजन की तरह है और यहाँ पे भाई आप लोगों ने भी फाइट ली नहीं मतलब यहां पे तो इसमें एनिमी नहीं है लेकिन जब आप लोग गेम के अंदर यहाँ पे उतरोगे तो यहाँ पे और भी एनिमीज होंगे और यहां पर उनके साथ आप लोगों ने फाइट लेनी जहां जहां वे आप लोग को ग्रीन कलर की स्मोक दिखाई दे रही होगी उसके ऊपर जाके अगर आप कड़े होते हो तो आप लोग भाई वहां से जो है ना बैग जा सकते हो अपने इन गेम के अंदर लेकिन भाई एक चीज माइंड में जरूर से रखना ये जो है ना ये रिकॉल जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ चार से पांच मिनट के अंदर ही काम करता है अगर आप लोग मिनट बाद मरते हो तो भाई आपको सेकेंड रिकॉल नहीं मिलने वाला तो ये अपने माइंड में जरूर से रखना कि भाई ये रिकॉल जो है ना ये फास्ट काम करता है जैसे कि भाई अगर आप लोग उतरते हो इवेंट के ऊपर और आप लोग को कोई मार देता है मतलब थर्ड पार्टी करवा लेता है तो भाई पब्जू मल आपको और मौका देता है गेम के अंदर आने का तो वो भाई आप लोग अगर प्रो प्लेयर हो तो ज़ाया मत जाने देना और अपना रैंक जो है ना अगर आप पुश कर रहे हो तो उससे भी आप लोग को बचने का एक मौका और मिल जाएगा तो भाई ये सबसे बड़ा फीचर है 3.0 अपडेट का तो भाई इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे सुपर पावर्स के बारे में कि भाई वो आपको मिलेंगे कहां से तो भाई गेम के अंदर जो शॉप होते हैं वहां पे आपको ये जो है ना मिल सकता है आप लोग वहां से उसको बाय कर सकते हो डॉलर्स का कितने डॉलर्स के आ रहे वो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो अभी इन पावर के काम क्या है चलो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं सबसे पहले बात करते हैं भाई कटाना के ऊपर क्योंकि कटाना भाई मेरा मोस्ट फेवरेट है इसके भाई मल्टीपल जो है ना रीजंस है कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्यों है फर्स्ट नंबर पे तो भाई अगर आपके हाथ में कटाना है ये वाला और आप भाई सामने एनिमी पे पुश करो और एनिमी आपको फायर मारता है तो भाई ये कटाना जो है ना ये सारे के सारे बुलेट्स को रोकता है जैसे कि भाई आप लोग स्क्रीन के ऊपर चेक कर भी सकते हो दूसरा ये भाई ये टेन मीटर्स तक भाई एनिमी को ऐसे फास्ट मारता है ना कि फ्लैश की तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और एनिमी को किल कर लेता है जैसे कि भाई ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मैं किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूं दूसरा ये कि भाई ये जो है ना अगर आपके हाथ में होता है तो भाई आप लोग जो चीज़ें हो ना जमीन से वो जल्दी जल्दी पिक कर सकते हो मतलब कि भाई स्पीड के साथ कर सकते हो तो कटाना के अंदर भाई दो फीचर्स है जैसे कि मैंने आपको बता दिए एक तो भाई जो है ना ये बुलेट्स को रोकता है बुलेट्स को स्टॉप करता है आपको डैमेज देने से दूसरा भाई ये काफी फास्ट चेना हिट करता है एनिमीज को तीसरा भाई इसका एक फीचर है जो कि भाई ये दीवार के आर पार बंदों को मारता है जी हाँ भाई मतलब कि भाई अगर आपका एनिमी आपके क्लोज है दीवार के उस पार और आप लोग इसको यूज करते हो तो भाई उसको डैमेज भी मिलेगी और अगर आप लोग जबरदस्त किस्म का उसको मारते हो तो वो किल भी होगा जैसे कि भाई आप लोग के स्क्रीन के सामने प्रूफ के लिए मैंने जो है ना रिकॉर्ड करके क्लिप रखा था और वो आपको दिखा दिया है तो भाई ये वाली फीचर जो है मुझे काफी ज्यादा मजे की लगी और इसीलिए भाई कटाना मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना सुपर पावर है इसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड सुपर पावर के बारे में जो कि हमारे पास है क्लाउन डिवाइस क्लाउन डिवाइस भी कह सकते हो या स्काउट डिवाइस भी कह सकते हो जिसका काम यह है कि भाई आप एनिमी की लोकेशन पता कर सकते हो आप एनिमी को कन्फ्यूज़ कर सकते हो अगर आपको भाई एनिमी की लोकेशन नहीं पता आपको देखना है कि उन्होंने कैंप तो आगे नहीं किया हुआ या अगर कैंप किया है तो कहां कहां किया है तो भाई आप लोग इस डिवाइस को यूज़ करके एनिमी की लोकेशन देख सकते हो अगर एनिमी भाई आप लोग के इस मतलब क्लोन को मारते हैं आप लोग की कॉपी को मारते हैं तो भाई आपको रियल गेम के अंदर डैमेज नहीं पड़ेगा उसी को भाई डैमेज पड़ेगा और भाई आप लोग रियल गेम के अंदर से जाके मतलब आपका जो अपना करेक्टर है वो जाके उसकी लोकेशन देख लेगा और वहां से जाके भाई आप लोग एनिमीज को मार सकते हो तो भाई ये सेकेंड पावर है थर्ड नंबर पे है ग्रेपलिंग हुक या आप लोग भाई इसको जो है ना डोल भी कह सकते हो मतलब हमारे पास इससे पहले अपडेट में एक डोल टाइप आई थी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती थी तो भाई दोनों के पावर को मिला के जो है ना इसका एक ही पावर बना दिया है अब देखो भाई इसका काम तो ये है कि आप लोग जो है ना हाई जगह पर क्लाइम्ब कर सकते हो आपको पता है ग्रेपलिंग का और भाई हमारे पास जो ये ग्लाइडर है या डोल है ये भी सेम ही काम करते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है लेकिन मैंने इसका एक अलग से कटाना का, का और इसका एक अलग फीचर निकाला है एक चीज जो है ना इस पे टेस्ट की आप लोग भाई काफी स्पीड से इससे ट्रेवल कर सकते हो अगर आपके पास कटाना है और ग्रेपलिंग होके तो तकरीबन भाई अस्सी मीटर तक आप लोग इससे आगे तक जा सकते हो अगर आप लोग दोनों को यूज करते हो जैसे भाई सबसे पहले आप लोगों ने कटाना का स्पीड यूज करना है तो टेन मीटर आप लोग आगे चले जाओगे थोड़ा सा भाई आप लोगों ने जो है ना मतलब आगे भाग के भी चले जाना है और ग्रेपलिंग हुक को यूज करके आप लोगों ने ग्लाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है मतलब ग्रेपलिंग हुक पे अगर आप लोग डबल टैप करते हो तो ग्लाइडर बन जाएगा और उससे आप लोग तकरीबन तकरीबन भाई एटी मीटर तक जा सकते हो दोनों को मिला के जैसे कि स्क्रीन के ऊपर भाई आप लोग चेक भी कर सकते हो तो भाई आप लोग इन दोनों को मिला के कुछ ऐसा जो है ना मेजिकल चीज क्रिएट कर सकते हो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ यूज करते हो इसके अलावा भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की तो नेक्स्ट फीचर हमारा ये है कि भाई व्हीकल के ऊपर अगर आप लोग बैठे हो और आप ड्राइव कर रहे हो तो भाई आप लोग एनर्जी ड्रिंक पेन किलर और भाई आइड्रलिन सरेंज जो है ना वो लगा सकते हो अपने आप को बूस्ट कर सकते हो और यहाँ तक कि भाई आप लोग अपने आप को बैंडेज भी लगा सकते हो तो ये वाला फीचर भाई मुझे काफ़ी ज़रा मज़े का लगा क्योंकि भाई अगर आप लोग जोन में जा रहे हो और आप लोग की हेल्थ कम है आप लोग मरने की कगार पर हो तो भाई आप लोग एक आधा बैंडेज लगा के या आप लोग जो है ना एनर्जी ड्रिंक लगा के खुद को बचा सकते हो तो ये वाला फीचर भी मुझे मजे का लगा वैसे आपका भाई कौन सा फेवरेट फीचर है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना तो भाई इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेवल थ्री लूट के बारे में मतलब के भाई जैसे इस अपडेट के के अंदर हमारे पास जोने के हमारे पास पास जो है एक ऊपर ऊपर घंटा होता इवेंट और उसको हम मारते लेवल की लूट आती है बरबर बर के तो भाई आप लोग को थ्री अपडेट के अंदर वो कहाँ पे मिलेगी तो चलो भाई मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोग जैसे ही इवेंट के ऊपर उतरोगे तो भाई इवेंट के अंदर जो है ना एक बंकर टाइप है जिसके सारे के सारे दरवाजे बंद है अब ये दरवाजे आप लोगों ने खोलने कैसे है तो देखो भाई चारों तरफ जो है ना इसके कुछ जो है ना टावर टाइप बने होंगे जो कि थोड़ा थोड़ा आप लोग के लिए मतलब शैन भी दे रहे होंगे उन टावर के ऊपर भाई गोल्डन टाइप का जो, जो है ना मतलब लाइट सा लगा होगा मतलब शैन टाइप आपको दे रहा होगा तो भाई आपने वो चारों के चारों जो टावर है उन लोग को फायर मार के उनको गिराना है उनके जो वायर लगे है ना वो वायर आके भाई सीधे उस बंकर के साथ अटैच हुए हैं तो जैसे भाई आप लोग चारों के चारों टावर्स को मारोगे तो सारे के सारे वायर्स उस बंकर से हट जाएंगे और वो बंकर भाई आप लोग के लिए खुल जाएगा अच्छा भाई वो बंकर जब आप लोग के लिए खुलेगा वो भाई साउंड भी जबरदस्त किस्म का देगा जैसे कि भाई आप लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया होगा और भाई इसके अंदर जैसे ही आप लोग अंदर जाते हो तो इसके अंदर आप लोग को एक बॉक्स मिल जाएगा जिसको अगर आप लोग खोलते हो तो भाई उसके अंदर आप लोगों को लेवल थ्री की लूट मिल जाएगी भाई मैंने जब देखा तो इसके अंदर तो मुझे लगता है कि दो बंदों की लूट थी लेकिन आप लोग चेक करना कि आप लोग को इसके अंदर कितनी लूट मिलती है कितनी नहीं बाकी इसके अंदर भाई सुपर पावर्स के डिवाइसेस वगैरह भी मौजूद होते हैं इसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं हमारे वन बुलेट टू किल के बारे में मतलब टू किल क्या आप लोग थ्री किल भी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक बुलेट से वो भी स्नाइपर की वो कैसे आप लोग करोगे देखो भाई इस अपडेट में थ्री पॉइंट जीरो में स्नाइपर को इम्प्रूव कर दिया है अगर एनिमी के पास लेवल वन की हेलमेट है या एनिमी के पास लेवल टू की हेलमेट है और वो थोड़ी सी डैमेज है तो भाई अगर आप लोगों को वो एनिमी इन रो आता है ना मतलब एक दूसरे के पीछे खड़े हुए दिखते हैं और आप लोग फायर मारते हैं उनको तो भाई वो दोनों के दोनों एनिमी सिर्फ और सिर्फ एक बुलेट से मर सकते हैं इसी तरीके से अगर तीन एनिमी इन अरो आते हैं उनके पास जो है ना हेलमेट है या हेलमेट नहीं है अगर हेलमेट है तो भाई हेलमेट का हेल्थ जो है ना वो कम होना चाहिए लेकिन अगर हेलमेट नहीं है तीनों एनिमीज के पास तो भाई आप लोग एक ही बुलेट से उन तीनों को गिरा सकते हो जैसे कि भाई मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी दिखा रहा हूँ मैं आपको ना दो बंदों का दिखा रहा हूँ तीसरे बंदे का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई तीसरे बंदे के पास भी हेलमेट है और उस हेलमेट को डैमेज होना चाहिए तो भाई इसी तरीके से आप लोग इसको गेम के अंदर भी यूज कर सकते हो ज्यादातर अगर ब्रिज जो है ना बंद करते हो और सामने से एक गाड़ी आती है चार बंदों की तो भाई गाड़ी में जो है ना आपको पता है दो बंदे आगे होते हैं दो बंदे पीछे होते हैं तो अगर आगे वाले बंदे को आप लोग गिराते हो हेडशॉट मारते हो तो पीछे वाला बंदा भाई फ्री में ही गिर जाएगा तो भाई ये वाला फीचर काफी ज्यादा मजे का है लेकिन ये वाला फीचर ज्यादातर जो है ना हमारे रोक बाई के लिए है या खलीफा बाई के लिए क्योंकि स्नैपर तो वही करते हैं हमें तो स्नैपर इतना अच्छा आता नहीं है इसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं हमारे विक्ट्री इमोट के बारे में या विक्ट्री डांस के बारे में तो भाई वो भी थ्री अपडेट के अंदर चेंज कर दिया गया है जैसे कि भाई आप लोग स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर कर सकते हो कुछ इस टाइप का हमारा ये विक्ट्री इमोट होगा विक्ट्री डांस होगा तो भाई काफी ज्यादा मजे का है आप लोग इसके अंदर वीडियो शीडियो बना के टिकटॉक शिकटॉक पे चढ़ा सकते हो और भाई व्यूज यूज भी ले सकते हो तो भाई आप लोग को ये न्यू विक्ट्री इमोट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और भाई यही विक्ट्री इमोट आपके पास जो है ना इन गेम के अंदर भी आएगा लेकिन उसको आप लोग मुझे लगता है 900 सौ यूसी से लोगे या 600 सौ यूसी से लोगे और वो इमोट आप लोग अपग्रेड अप भी कर पाओगे तो यहाँ पे भाई आप लोग फ्री के शशके वगैरह वैसे ले सकते हो आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि आप लोगों ने चिकन डिनर निकालना होगा और एंड में आप लोग ये इमोट करके शशके इसके ले सकते हो इसकी वीडियो क्लिप्स वगैरह बना सकते हो ओके गाइज तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्री मिथिक लोबी के बारे में भाई आप लोग को एक मिथिक लोबी मिल जाएगी मेल सेक्शन के अंदर लेकिन सिर्फ और सिर्फ तीन दिन के लिए और ये मिथिक लोबी जो है ना मुझे लगता है कि भाई हमारे पास अल्टीमेट स्पिन के अंदर आने वाली है अगर आप लोगों ने भाई वो वीडियो देखी होगी एम वाली मैंने आपको उसका ट्रेलर भी दिखाया था तो भाई ये उस वाले अल्टीमेट के अंदर आएगी वहां पर आपको भाई पैसा लगाना पड़ेगा इसके लिए लेकिन भाई अभी आप लोग इसके शशके वगैरह ले सकते हो तीन दिन के लिए इसी के साथ साथ भाई हमारे पास फ्री वाले इमोट्स भी आए हुए हैं आप लोगों ने करना यह है शॉप शॉपमैन है अदर अदरमैन है इमोट वाले सेक्शन पे जैसे आप लोग आते हो तो दो इमोट आप लोग को देखने को मिल जाएंगे भाई एक इमोट जो है ना वो तो मुझे थोड़ा सा डीसेंट सा लगा जो आठ हजार एजी करेंसी में आप लोग ले सकते हो लेकिन भाई ये जो दूसरा इमोट है ना ये मुझे फनी टाइप लगा या आप लोग इसको वलगर कह सकते हो वेट कह सकते हो बट भाई ये भी गेम के हिसाब से अगर देखे तो अगर आपका फीमेल कैरेक्टर है तो उसके साथ भाई ये काफी ज्यादा मजा करेगा इसके क्लिप्स वगैरह वीडियो वगैरह आप लोग बना सकते हो टिकटॉक के लिए तो भाई अगर ये आपको लेना है तो भाई आपको इसके लिए सात हजार दो सौ एजी करेंसी देना होगा इसी के साथ साथ भाई हमारे पास पार्टनर पोज भी इस बार जो है ना रोमांटिक टाइप आया हुआ है तो भाई अगर आपका पार्टनर फीमेल है और आप मेल हो तो भाई आप लोग इसके शशके ले सकते हो बट भाई इसके लिए आप लोगों को पॉपुलरिटी बैटल विन करना होगा इसी के साथ साथ भाई क्लाइंट शॉप के अंदर बहुत टाइम बाद बहुत अपडेट बाद, बाद भाई कुछ चीजें एड कर दी गई है जो कि आप लोग बाय कर सकते हो जैसे कि भाई इन्फो कार्ड हो गया है प्लेयर कार्ड हो गया है तो भाई अगर आपको प्लेयर कार्ड या इन्फो कार्ड पसंद है लेकिन आपके पास है नहीं तो भाई आप लोग क्लाइन के अंदर से ले सकते हो अगर आपके पास क्लाइन के क्वाइंस वगैरह पड़े हुए हैं तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही था मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको सारे के सारे फीचर्स ए टू जेड बता दिए हैं अगर कोई फीचर मुझसे मिस हो गया है तो टेंशन वाली बात नहीं है आपने करना सिर्फ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना है जैसे ही कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको उसी टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसी के साथ साथ भाई आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यूट्यूब से पहले मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे ही सारी चीजें डाल देता हूँ सारी चीजें बता देता हूँ तो भाई वहाँ पे भी ज्वाइन जरूर से कर लेना डिस्क्रिप्शन के अंदर से आपको लिंक मिल जाएगा मिलेंगे आप लोगों से आने वाली एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़